Good morning, one and all. I'm General Manager. I'm from BDDT Development Trust. Last December, we are starting here our program. That time we are announced, already we are announced what our program, what we are doing for public, all the things we are announced. Right now, we are ready to start our project, Who's Having ITA Card. Another things, our project head, our project director will tell about you this thing. What kind of services we are doing here, what is our future plan, and what is our future vision, what kind of contribute we are supporting for education people, old people, and physically handicapped people, and more well as poor, what, girls' marriage help. This thing also we are telling this thing, okay? Yes, sir, can you start? Assalamu alaikum. Pehle shukriya aap sabka ki aapne apna waqt nikal ke aap yahan pe aa gaye. तो इस कॉन्फ्रेंस का जो आज हमने यहाँ पे आपको बुलाया है, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आपके ज़रिए वो लोगों तक पहुँचाए और वो जल्द अज जल्द इस फ़ायदे का इस्तेमाल करें. तो पहले मैं ये बोलूँगा कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ था बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ जो चेन्नई से है, तो ये है इंडियन ट्रस्ट हेल्थ एसोसिएट ईटा के नाम से. इसमें ऐसा है कि एक फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है बिलोंग करते हैं, उनको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक एटीएम कार्ड जैसा होगा, मगर उसमें वो थ्रू कैश नहीं उनको नहीं उसमें आएगा, वो थ्रू जो मर्चेंट हमारे होंगे अंडर जो डिपार्टमेंट स्टोर्स या क्लिनिक्स होंगे जो एसोसिएट होंगे हमारे साथ, तो वहाँ पर वो फ़ायदा उठा सकते हैं. उसमें उनको मंथली 4000 रुपीज़ आएंगे, जिसमें उनको 3000 फॉर मेडिकल पर्पज़ आएगा और 1000 ग्रॉसरी के लिए आ सकता है उनको. तो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में वो होंगे, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने क्लिनिक्स होंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट स्टोर्स होंगे, ताकि हर लोगों को जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं उनको वो वहाँ से वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसी दौरान अराउंड अभी 6000 प्लस फैमिलीज ने रजिस्ट्रेशन करी है, तो हमें फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि 1 लाख फैमिलीज तक हम कवर करें, ताकि मोस्ट जो यहां पे फैमिलीज है वो इस स्कीम को की फ़ायदा उठा सकते हैं. तो इसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम लोगों का सोच रहे हैं, हमें उससे पहले अपने एम्प्लॉयज़ का सोचना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं. तो हमने सोचा कि जो स्टूडेंट्स इसमें हमारे साथ काम करते हैं, हम उनकी एजुकेशन सपोर्ट पहले उनको दें. जो कोई अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उनको हम सपोर्ट करें उनके एजुकेशन में टिल जहाँ तक वो पढ़ना चाहते हैं. तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ और दो मंथ्स में हम मास मैरिज करना चाहते हैं 50 ऑर्फन गर्ल्स, बट वो एप्लीकेबल ओनली जो ईटा कार्ड कस्टमर्स हैं हमारे, जो जिनने रजिस्ट्रेशन की है उनके लिए एप्लीकेबल है. वो मस्ट है कि उन्होंने ईटा कार्ड की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करी हो, तो उन्हीं के लिए वो है. और रिसेंटली फायर विक्टम्स को हमने चेक प्रोवाइड करे 40,000 पांद्रेठन में जो फायर विक्टम्स हुए थे, और फूड एसेंशियल्स हमने प्रोवाइड किए थे बड़गांव में, गोदपुरा एरिया में हमने अराउंड 100 फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड किया था वहाँ पे. तो इसके बाद हमारा एजुकेशन का भी हो गया, मैरिज का भी हो गया, और ऑर्फनीज एक है जवाहर नगर से, वो है, तो उनके लिए हमने जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं अराउंड 35 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनका एजुकेशन टिल लाइफ टाइम उनका सपोर्ट हम यहाँ से करेंगे, और उनका फूड जो है वो हम भी प्रोवाइड करेंगे टिल 5 ईयर्स. उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है 5 ईयर्स तक उनका फूड हम प्रोवाइड करेंगे. और जो एजुकेशन उनपे है, उनमें अभी छोटे छोटे बच्चे ही है, जितना वो पढ़ेंगे उनको हम लाइफ टाइम उसका सपोर्ट करेंगे. बाकी हमारे डायरेक्टर साहब वो बाकी पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे. जी, सलाम अलैकुम. जैसा कि हमारे जो वैस साहब है, प्रोजेक्ट हेड है यहाँ पे, तो इन्होंने भी बताया जो BDDT डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ईटा के नाम से, इंडियन ट्रस्ट हेल्थ एसोसिएट. तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी 6000 प्लस फैमिलीज़ ने रजिस्टर किया है, और अभी भी यहाँ पे जो कश्मीर में हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो फैमिली जो भी है वो यहाँ ऑफिस में आके भी रजिस्टर कर सकती है, या हमारे पास फील्ड में जो भी मेंबर्स हैं उनके पास भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उसके बाद उनको एक कार्ड मिलेगा, एक ATM कार्ड जैसा मिलेगा, लेकिन वो कार्ड जो होगा वो
किसी भी एटीएम में यूज़ नहीं होगा। वो कार्ड जो है वो जो भी ईटा के ईटा से एसोसिएट होंगे शॉप्स एंड मेडिकल स्टोर तो वो वहाँ पर यूज़ होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें फैमिली को एक बेनिफिट मिलेगा 4,000 रुपीज़ पर मंथ का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 3,000 वो ग्रोसरी के लिए यूज़ कर सकते हैं और 1,000 रुपीज़ वो सॉरी 3,000 वो मेडिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं, 1,000 रुपीज़ वो ग्रोसरी के लिए यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैमिली कंडीशन। किसी फैमिली में अगर कैंसर पेशेंट्स या किडनी फेलियर पेशेंट्स होंगे तो उनके लिए एक स्पेशल केस बनेगा और उनके कार्ड का जो लिमिट होगा वो इंक्रीज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। उसके लिए थोड़ी सी एक प्रोसेस है, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उनका लिमिट जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। ठीक, और दूसरे जो हमारे प्रोजेक्ट हेड साहब ने यहाँ पे डिस्कस किए कुछ पॉइंट्स जो अनाउंसमेंट्स है कि जो हम हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो भी एजुकेशन का सपोर्ट होगा वो हमारी तरफ से होगा और ऑर्फनेज जो है उसका जो भी एजुकेशन और फूड वो हमारी तरफ से होगा और जो ओल्ड एज पेंशन वो आज से ही हम लागू कर रहे हैं पर मंथ। जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एरियाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो घर में अकेले रहते हैं बूढ़े लोग, तो उनको हमने ओल्ड एज पेंशन मंथली किया है आज से ही लॉन्च। ठीक है, साकिब साहब हमें बताइए क्योंकि हमें आपने काफ़ी सारी बातों का जिक्र किया, हमें बताइए कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल होता है और आपके जो क्रेडेंशियल्स है क्या है, आपको सरकारी गैर सरकारी आप रजिस्टर्ड है उनके लिए क्या है, वो कैसे हासिल करें क्योंकि फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा है, क्रिमिनल केसेस काफ़ी ज़्यादा जो रिपोर्ट हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, तो इस हवाले से बताइए कि कैसे लोग आप पे ट्रस्ट करें। जी सर, एक्चुअली ये जो ट्रस्ट है BTDT डेवलपमेंट ट्रस्ट, ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन है इसके पास और ऑलरेडी इनके पास ATG 12 है, CSR फंड्स है इनके पास, तो इनका ही प्रोजेक्ट है ये ईटा के नाम से इंडियन ट्रस्ट हेल्थ एसोसिएट, तो उस प्रोजेक्ट में ही ये बेनिफिट्स मिलेंगे उन लोगों को। असल में मसला ये है कि अगर हम किसी फैमिली को सर प्रोवाइड करेंगे 4,000 रुपीज़ बाई कैश तो हमें ये नहीं पता है कि वो यूज़ कैसे करेंगे। कुछ लोग ड्रग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग शराब के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्मोकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को बाईपास करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है कि कार्ड के थ्रू वर्चुअल मनी आएगी, फिर जो शॉपकीपर्स होंगे मर्चेंट्स होंगे उनको फिर कैश इनको फिर पेमेंट दी जाएगी थ्रू देयर अकाउंट्स। ठीक, सो डैट जो सारे ट्रांजेक्शन से वो ट्रैक हो जाएंगे, अगर किसी भी शॉप पे कोई भी फैमिली गई वहाँ पे कुछ परचेज़ किया तो उस टाइम उस शॉप पर्सन जो होगा वो GST बिल अपलोड करेगा थ्रू ऐप कि इस जो फैमिली इसने क्या क्या परचेज़ किया। सेम थिंग जो मेडिकल शॉप्स होंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे भी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो वहाँ पे अपलोड होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये चीज़ भी पता है कि कश्मीर में क्या हो सकता है, अगर फैमिली गई शॉपकीपर के पास, उन्होंने वहाँ पे किया इसमें 3,000 है आप डेबिट करो 3,000, हमें 2,500 ही दो, 5,500 आप खुद को ले लो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हमने जो प्रोसेस रखी है जो भी इसके शॉप्स होंगे एसोसिएट तो उनको जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस रखी है वो है एक तो उनका पैन कार्ड, उनकी रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस एंड GST नंबर, ये सब उनके लिए मैंडेटरी है। जब वो GST बिल अपलोड करेंगे तो वहाँ से ट्रैक हो जाएगा।